हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्थशास्त्र की इस स्मार्ट क्लास में। आज हम अर्थशास्त्र के पाठ दो, जिसका नाम उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत है, उसका अध्ययन करेंगे। आज हम इस वीडियो लेक्चर में पाठ दो के भाग 10 को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। आज के वीडियो लेक्चर की शुरुआत हम मांग की लोच से करेंगे। उसके बाद हम मांग की लोच को मापने की विधियां पढ़ेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि मांग की लोच को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। और उसके बाद हम मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारणों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो लेक्चर की। पिछले कुछ वीडियो लेक्चर में हमने मांग के नियम के बारे में जाना था। अगर आपको याद हो तो मांग का नियम वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में विपरीत संबंध को दर्शाता है। मांग के नियम के अनुसार अन्य बातें पूर्ववत रहने पर अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घट जाती है, और कीमत घटने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। अगर आप गौर दें तो आपको ये पता चलेगा कि मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है, जो केवल दिशा बताता है कि कीमत और मांग की मात्रा में विपरीत संबंध होता है। परंतु मांग का नियम यह नहीं बताता कि मांग के घटने या मांग के बढ़ने की मात्रा कितनी होगी। कीमत में परिवर्तन के फल स्वरूप मांग में परिवर्तन की मात्रा को मापने के लिए प्रोफेसर मार्शल ने मांग की कीमत लोच की तकनीक को विकसित किया था। चलिए अब जानते हैं कि मांग की कीमत लोच क्या होती है। मांग की कीमत लोच को जानने से पहले हमें लोच के अर्थ को जानना होगा। लोच का अर्थ है कि किसी भी वस्तु में घटने या बढ़ने की शक्ति। लोच का सबसे अच्छा उदाहरण है रबड़, क्योंकि दबाव पड़ने पर वह बढ़ जाता है और दबाव घटा देने पर वो सिकुड़ जाता है। किसी भी वस्तु की लोच दो बातों पर निर्भर होती है, पहला कि उस वस्तु का स्वभाव कैसा है और दूसरा उस वस्तु पर पड़ने वाला दबाव कितना है। यदि किसी वस्तु का स्वभाव लचीला नहीं है, जैसे कि नमक, तो उस पर बहुत दबाव पड़ने पर भी वो बहुत कम बढ़ेगा। इसी प्रकार अगर नमक की कीमतों में बहुत ज्यादा बदलाव भी आते हैं तो उसकी मांग पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। जबकि कुछ वस्तुएं ऐसी होती है कि उनके मूल्यों में परिवर्तनों का उनकी मांग पर बहुत अधिक असर पड़ता है। यदि किसी वस्तु की मांग पर मूल्य के परिवर्तन का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है तो उसे अर्थशास्त्र में लोचदार मांग कहते हैं, और यदि मांग पर मूल्य परिवर्तनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो उसे बेलोचदार मांग कहा जाता है। चलिए अब मांग की कीमत लोच की परिभाषा देखते हैं। मांग की कीमत लोच किसी वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के कारण उस वस्तु की मांग की मात्रा में होने वाली प्रतिक्रियात्मक परिवर्तन को मापती है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन के फल स्वरूप किसी वस्तु की मांग की मात्रा में परिवर्तन के माप को ही मांग की कीमत लोच कहते हैं। मांग की कीमत लोच को इंग्लिश में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है, और इसे ईडी से दर्शाया जाता है। मांग की कीमत लोच हमें ये बताती है कि वस्तु की कीमत बदलने पर वस्तु के क्रेताओं की प्रतिक्रिया कैसी है और कितनी है। अगर किसी वस्तु की कीमत बदलने पर वस्तु के क्रेताओं की प्रतिक्रिया बहुत अधिक होगी तो उतनी ही अधिक मांग की लोच होगी। इसके विपरीत जितनी कम प्रतिक्रिया होगी उतनी ही कम लोच होगी। अगर हम प्रोफेसर मार्शल के शब्दों में देखें तो मांग की कीमत लोच कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। इसे इस सूत्र के रूप में भी दिखाया जा सकता है। इस सूत्र को हम डेल्टा Q बटे Q गुणा में 100 बटे डेल्टा P
बटे में पी गुणा 100 के रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ डेल्टा पी वस्तु की कीमतों में परिवर्तन को दर्शाता है और डेल्टा क्यू वस्तु की मात्रा में परिवर्तन को दर्शाता है। हम इस विधि के बारे में आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। चलिए अब मांग की लोच को मापने की विधियों के बारे में जानते हैं। मुख्य तौर पर मांग की कीमत लोच को मापने की 3 विधियां होती है, जिसमें से पहली विधि है कुल व्यय विधि, दूसरी विधि का नाम है प्रतिशत विधि और तीसरी विधि का नाम है रैखिक विधि। इन्हें अन्य बहुत से नामों से जाना जाता है और इनके बारे में भी हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन का सभी वस्तुओं की मांग पर एक जैसा प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि कुछ वस्तुओं की मांग की लोच बहुत ही कम होती है, जैसे नमक और दिया सिलाई की मांग, जबकि कुछ अन्य वस्तुओं की मांग अधिक लोचदार होती है, जैसे पेय पदार्थ, फल, चीनी आदि की मांग। तात्पर्य यह है कि विभिन्न वस्तुओं की मांग की लोच भिन्न भिन्न होती है और मांग की कीमत लोच को मुख्य 5 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। मांग की कीमत लोच की 5 श्रेणियां इस प्रकार है। मांग की कीमत लोच की पहली श्रेणी है पूर्णतया लोचदार मांग, उसके बाद दूसरी श्रेणी है इकाई से अधिक लोचदार मांग, तीसरी श्रेणी है इकाई के बराबर लोचदार मांग, चौथी श्रेणी है इकाई से कम लोचदार मांग और अंतिम और पांचवी श्रेणी है पूर्णतया बेलोचदार मांग। चलिए अब एक एक करके इन सभी श्रेणियों को ग्राफ के ऊपर देखते हैं। ये ग्राफ वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग को दर्शाता है, जहां कीमत एक स्वतंत्र चर है और मांग एक निर्भर चर है। अगर किसी वस्तु की मांग का वक्र एक्स अक्ष के समानांतर है तो उसे हम पूर्णतया लोचदार मांग कहते हैं। उसके बाद अगर किसी वस्तु का मांग वक्र इस प्रकार का दिखाई देता है तो उसे हम इकाई से अधिक लोचदार कहते हैं। अगर किसी वस्तु का मांग वक्र इस प्रकार से दिखाई देता है, जहां कीमत और मांग में बराबर परिवर्तन होता है, तो उसे इकाई के बराबर लोचदार मांग कहते हैं। ऐसे दिखाई देने वाले मांग वक्र को हम इकाई से कम लोचदार मांग कहते हैं और एक ऐसा वक्र जो वाई अक्ष के समानांतर होता है उसे हम पूर्णतया बेलोचदार मांग कहते हैं। चलिए अब एक एक करके इन सभी मांग की लोचों का अध्ययन करें। सबसे पहले पूर्णतया लोचदार मांग। जब किसी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन ना हो या बहुत कम परिवर्तन हो, फिर भी उस वस्तु की मांग बहुत घटती या बढ़ती रहे, तो इसे पूर्णतया लोचदार मांग या अनंत लोचदार मांग कहते हैं। वास्तविक जीवन में हमें किसी भी वस्तु का व्यवहार ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता है, यह एक काल्पनिक स्थिति है। यहाँ पर मांग वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, और यहाँ पर ईडी का मान अनंत होता है। चलिए अब इकाई से अधिक लोचदार मांग के बारे में जानते हैं। जब किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से उस वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन अधिक होता है, तो उसे इकाई से अधिक लोचदार मांग या केवल अधिक लोचदार मांग कहते हैं। ऐसी स्थिति में मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है। ऐसी स्थिति में मांग की लोच का मान 1 से अधिक होता है। ऐसी मांग मुख्य तौर पर विलासिता की वस्तुओं की देखी जाती है। चलिए अब इकाई के बराबर लोचदार मांग के बारे में जानते हैं। जब मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के बराबर होता है, तो उसे समलोचदार मांग कहते हैं या इकाई के बराबर लोचदार मांग कहते हैं। ऐसी दशा में मांग में उसी अनुपात में परिवर्तन होता है जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी वस्तु की कीमत 50% गिरती है, तो उस वस्तु की मांग की मात्रा
50% बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में ईडी का मान 1 होता है और ये स्थिति मुख्य तौर पर आरामदायक वस्तुओं में देखी जाती है, जैसे साइकिल, घड़ी, बिजली के पंखे इत्यादि। चलिए अब इकाई से कम लोचदार मांग के बारे में जानते हैं। जब किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से कम होता है, इसका अर्थ ये है कि उस वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन अधिक हुआ है और उस वस्तु की मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कम हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु की मांग की कीमत लोच इकाई से कम लोचदार होती है। इकाई से कम लोचदार मांग में ईडी का मान 1 से कम होता है। मुख्य तौर पर इकाई से कम लोचदार मांग आवश्यक वस्तुओं की या फिर अनिवार्य वस्तु की होती है। यह ऐसी मांग उन वस्तुओं की भी देखी जाती है जिन वस्तुओं पर व्यय बहुत ही कम होता है, या फिर उन वस्तुओं की मांग भी कम लोचदार होती है जिनका कोई निकट स्थानापन उपलब्ध नहीं होता है। इकाई से कम लोचदार मांग के उदाहरण हैं अनाज, दवाइयाँ इत्यादि। चलिए इसके बाद हम पूर्णतया बेलोचदार मांग के बारे में जानते हैं। पूर्णतया बेलोचदार मांग की स्थिति में अगर किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे पूर्णतया बेलोचदार मांग कहा जाता है। अर्थात किसी वस्तु की कीमत बढ़ने या फिर उस वस्तु की कीमत घटने पर उस वस्तु की मांग की मात्रा उतनी ही बनी रहती है, तो उसे पूर्णतः बेलोचदार मांग कहा जाता है। ऐसी स्थिति में ईडी का मान 0 के बराबर होता है और मुख्य तौर पर ये स्थिति ऐसी वस्तुओं में देखी जाती है जो अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तुएं होती है और जिनके बिना जीवन निर्वाह बहुत ही मुश्किल होता है, जैसे कि नमक, दिया, सिलाई की मांग। यह भी एक अव्यवहारिक स्थिति है। ये स्थिति भी वास्तविक जीवन में देखने को नहीं मिलती है, जहाँ पर किसी वस्तु पर इतनी अधिक निर्भरता हो कि उसकी कीमत कितनी भी बढ़ जाने पर उस वस्तु की मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन ना हो। अभी तक हम जान चुके हैं कि मांग की कीमत लोच भिन्न भिन्न होती है। मांग की लोच में विभिन्नता वस्तुओं के गुण और अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं ऐसे कौन से कारक और परिस्थितियाँ होती हैं जो मांग की कीमत लोच को प्रभावित करते हैं। इनमें से पहला तत्व है स्थानापन वस्तुओं की उपलब्धता। जिस वस्तु की बहुत सी स्थानापन वस्तुएं उपलब्ध रहती है, उसकी मांग बहुत लोचदार होती है। अगर ऐसी किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाए तो लोग इसकी स्थानापन वस्तुओं का उपभोग बढ़ा देते हैं। जैसे चाय और कॉफी स्थानापन वस्तुएं हैं। कॉफी की कीमत बढ़ने पर लोग चाय का उपभोग बढ़ा देते हैं। इसके विपरीत ऐसी वस्तुएं जिनके स्थानापन उपलब्ध नहीं है, उनकी मांग कम लोचदार होती है, जैसे कि नमक की मांग। मांग की लोच को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है वस्तुओं के विभिन्न प्रयोग। जिन वस्तुओं को बहुत ज्यादा या फिर विभिन्न कार्यों के लिए यूज किया जाता है, उनकी मांग लोचदार होती है, जैसे कि बिजली, दूध, कोयला इत्यादि। मान लीजिए यदि दूध की मांग में गिरावट आ जाए तो उसका अन्य उत्पादों के लिए प्रयोग बढ़ जाएगा। और इसी के विपरीत दूध की कीमत बढ़ जाने पर दूध का प्रयोग कम हो जाएगा। वस्तु की मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक है वस्तु पर व्यय, यानी कि वस्तु पे खर्चे का आय में कितना भाग है। जिस वस्तु पे व्यय या आय का बहुत छोटा भाग इस्तेमाल होता है, उसकी मांग बेलोचदार होती है, जैसे कि सुई, दिया, सिलाई आदि। इसके विपरीत जिन वस्तुओं पर खर्च बहुत अधिक होता है या आय का बहुत बड़ा भाग खर्च किया जाता है, उसकी मांग लोचदार होती है, जैसे कार, साइकिल इत्यादि। मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाला चौथा कारक है वस्तुओं की प्रकृति। अनिवार्य वस्तुएं जैसे कि गेहूं, नमक इत्यादि, इन सब की मांग बेलोचदार होती है
और इसके विपरीत आरामदायक वस्तुएं या फिर विलासिता की वस्तुएं जैसे कि महंगी कारें, रेडियो, घड़ी, इन सब की मांग लोचदार होती है। मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाला पांचवा कारक है उपभोक्ता की आय। वे लोग जिनकी आय या तो बहुत ज्यादा होती है या बहुत कम होती है, ऐसे लोगों की मांग बेलोचदार होती है, क्योंकि कीमत बढ़ने पर या कीमत घट जाने पर ऐसे लोगों की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके विपरीत मध्य वर्गीय लोगों द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं की मांग लोचदार होती है। मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाला छठा कारक है उपभोक्ता की रुचि व आदत। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु विशेष का आदि हो जाता है तो उसके लिए उस वस्तु की मांग बेलोचदार हो जाती है। जैसे कि एक शराबी के लिए शराब। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता का जो व्यवहार है वो मांग की लोच को प्रभावित करता है। और इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति की रुचि किसी विशेष वस्तु में है तो उस वस्तु की मांग भी बहुत कम लोचदार होगी। किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाला अगला तत्व है स्थगन की संभावना। स्थगन का अर्थ होता है पोस्टपोन कर देना, यानी कि भविष्य के लिए टाल देना। ऐसी वस्तुएं जिनका उपभोग या जिन वस्तुओं पर क्रय भविष्य के लिए स्थगित किया जा सकता है, यानी कि भविष्य के लिए टाल दिया जा सकता है, उनकी मांग लोचदार होती है। जैसे कि गर्म कपड़ों की कीमत बढ़ने पर मध्य श्रेणी के लोग अपने पुराने सूट मरम्मत करवा कर प्रयोग करते हैं, जबकि नए गर्म कपड़ों की खरीद भविष्य के लिए स्थगित कर देते हैं। आठवां तत्व जो मांग की कीमत लोच को प्रभावित करता है वो है वस्तु की कीमत का स्तर। साधारण तौर पर ये देखा जाता है कि बहुत अधिक कीमत वाली वस्तुएं जैसे कि हीरा और इसी के साथ बहुत कम कीमत वाली वस्तुएं जैसे सुई, पेंसिल, इन सब की मांग की लोच बेलोचदार होती है, जबकि सामान्य कीमत वाली वस्तुओं की मांग लोचदार होती है। मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाला नौवां तत्व है समय अवधि। सामान्य तौर पर ये भी देखा जाता है कि दीर्घकाल यानी कि लंबे काल में किसी वस्तु की मांग अधिक लोचदार होती है, जबकि शॉर्ट टर्म यानी कि अल्पकाल में उसी वस्तु की कीमत कम लोचदार होती है। इसका कारण ये है कि दीर्घकाल में उपभोक्ता अपनी उपभोग की आदत बदल सकता है और नई कीमत के अनुसार अपने आप को ढाल सकता है, लेकिन ऐसा करना अल्पकाल में संभव नहीं होता। इसके अलावा संयुक्त मांग वाली वस्तुएं अमीर या गरीब वर्ग की श्रेणी के उपभोक्ता व रहन सहन का स्तर आदि भी मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। यहीं पर हमारा आज का ये वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। चलिए देखते हैं हमने आज के वीडियो लेक्चर में क्या क्या सीखा। हमने सबसे पहले मांग की कीमत लोच को पढ़ा, उसके बाद हमने मांग की कीमत लोच को मापने वाली विधियों के बारे में जाना, उसके बाद हमने मांग की कीमत लोच की श्रेणियां जानी, जिसमें हमने पांच प्रकार की श्रेणियों के बारे में अध्ययन किया। श्रेणियों के अध्ययन के बाद हमने मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में पढ़ा। चलिए अब देख लेते हैं कि अगले वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। अगले वीडियो लेक्चर में हम मांग की कीमत लोच का माप पढ़ेंगे, जिसमें हम कुल व्यय विधि और रैखिक विधि के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अब मेरी आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।